अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टेस्ट के बाद T20 के महासंग्राम में लिखा जाएगा नया इतिहास। सफेद जर्सी के बाद रंगीन कपड़ों में एक दूसरे से युद्ध करने उतरेंगे इंडिया और इंग्लैंड। थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला पहले T20 का जबरदस्त रोमांच, तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा यह सबसे खतरनाक पहला T20 मैच? टीम इंडिया से बदला लेने के लिए किस टीम के साथ उतरने वाली है इंग्लैंड अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए? BCCI ने किसे दिया है T20 में जलवा दिखाने का मौका? कौन बनाए कप्तान? कहां देख सकते हैं आप ये T20 सीरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त में? सबके साथ साथ इस मुकाबले से जुड़ी हर एक लाइव अपडेट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अंग्रेजों के घमंड को टीम इंडिया ने एक बार फिर से अपने घर में चकनाचूर किया। इंग्लिश टीम ये सोचकर भारत आई थी कि वो टीम इंडिया में एक बार फिर टेस्ट सीरीज जीतेंगे, लेकिन रोहित एंड कंपनी ने ऐसा होने नहीं दिया। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के नाम होने के बाद हमने ऐसी धमाकेदार वापसी करी कि लगातार अगले 4 टेस्ट मैच जीत कर 4-1 से टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली और अंग्रेजों का बैंड बजा कर रख दिया। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी भारत और इंग्लैंड दोनों देशों के लिए निकल कर आ रही है। जी हां, दरअसल पहले केवल इंडिया इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आयोजन होने वाला था, जिसे इंग्लैंड ने तो गवा दिया। इसके बाद निराश मन से इंग्लिश टीम अपने देश वापस लौट जाती है। लेकिन अब इंग्लिश टीम को एक खास तोहफा BCCI ने दिया है, जहां अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का ऐलान हो चुका है, जिसका शुभारंभ बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि 22 मार्च से मेंस IPL की ओपनिंग सेरेमनी है। इससे पहले ही टीम इंडिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ और समापन दोनों हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, टीमों के बीच पहला T20 मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 13 मार्च को खेला जाने वाला है, जिसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से होने वाली है। लंबे समय बाद टीम इंडिया कोई T20 मैच खेलेगी, यानी कि भारतीय टीम के लिए ये T20 वर्ल्ड कप और IPL से पहले प्रैक्टिस करने का भरपूर मौका रहने वाला है। तो वहाँ दूसरी तरफ इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट में मिली बेइज्जती का हिसाब किताब चुकता करना चाहेगी, यानी कि दोनों टीमों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो निकल कर सामने आई है। इस रोमांचक मुकाबले को भी आप जियो सिनेमा पर पूरी तरह से मुफ्त में देख सकते हैं, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप अपने मोबाइल से लेकर TV स्क्रीन पर भी अपने ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो वहीं इसका लाइव प्रसारण TV स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, यानी कि T20 सीरीज में इस बार रोमांच की सभी हदें पार होनी निश्चित है। ऐसे में कोई भी इसे बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। सबसे बड़ा सवाल, किन टीमों के साथ ये दोनों देश कदम रखने वाले हैं? तो इंग्लैंड के इरादे साफ हैं, जब वो टेस्ट में T20 खेल सकते हैं तो T20 में तो उनकी टीम का कोई मुकाबला ही नहीं है। जहां उनका बल्लेबाजी क्रम कप्तान जोस बटलर के नेतृत्व में फिल सॉल्ट, लियम लिविंगस्टन और हैरी ब्रुक जैसे खतरनाक बल्लेबाजों से भरा हुआ है। जॉनी बेरस्टो भी टेस्ट सीरीज की बेइज्जती भूले नहीं है। तो वहीं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में उनका कोई सानी नहीं है। मोइन अली से लेकर सैम करन, क्रिस बॉक्स से पार पाना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं रहने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ उनका गेंदबाजी क्रम भी बेहद खतरनाक है। रेहान अहमद से लेकर आदिल रशीद और रीस टॉपले जैसे खतरनाक गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों की नाक में दम कर सकते हैं। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि इस T20 सीरीज के लिए किस भारतीय युवा टीम का चयन किया जाता है। क्या रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे या हार्दिक को वापस लाया जाएगा? वहीं कई नए युवा खिलाड़ियों को भी इस T20 सीरीज के लिए आजमाया जा सकता है। दूसरी तरफ ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के सिलेक्शन पर भी सवालिया निशान रहेंगे। ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या विराट कोहली ये T20 सीरीज खेलने आते हैं या नहीं, क्योंकि सभी 10 फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग कैंप लगना शुरू हो चुके हैं। IPL कई खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में BCCI किसे मौका देती है, किसे बाहर रखती है, वो भारत के भविष्य के लिए बहुत मैटर करता है। जहां तक माना जा रहा है, इस T20 सीरीज में कमान हार्दिक पांड्या को दी जाने वाली है, जिनके साथ बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाजों पर अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो वहीं विकेट कीपर की भूमिका में जितेश शर्मा और संजू सैमसन नजर आने वाले हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी जा सकती है। अक्षर पटेल भी सीरीज में अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। तो वहीं तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो बुमराह की वापसी होगी या नहीं देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अर्शदीप और मुकेश तो अंग्रेजों की अग्नि परीक्षा लेना चाहेंगे। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट की कमान रवि बिश्नोई के कंधों पर दी जाएगी, यानी कि टीम इंडिया भी पूरी तरह से अंग्रेजों की कड़ी परीक्षा लेने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस T20 सीरीज के लिए किसे भारत का कप्तान रहना चाहिए, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।